देर रात को भादरडा चुंगी नाका के पास एक अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही से तेज गति से चलाते हुए एक बालक को चपेट में ले लिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर चालक मौके से हुआ फरार। मोहल्ले वासियों ने रास्ता किया जाम। ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे, जिस पर उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश, पुलिस उप अधीक्षक शंकरलाल, तहसीलदार कालू राम कुम्हार, थानाधिकारी अवधेश संधु, पुलिस मय जाप्ता मौके पर पहुंचकर लोगों से समझाइश कर गिरफ्तारी का आश्वासन देकर रास्ता खुलवाया। शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर थाने ले जाया गया। बालक घर से सब्जी लेने के लिए गया था, उस दौरान हुआ हादसा। बालक का नाम रोहित कुमार 15 उम्र और पुत्र हरसन मेघवाल निवासी जगजीवन राम कॉलोनी है। उनके परिवार में 3 भाई एक बहन है, जिसमें रोहित सबसे बड़ा था। कक्षा 6 में अध्ययनरत था। मेघवाल समाज ने अवैध बजरी के ट्रैक्टर परिवहन पर जताया भारी आक्रोश। मेघवाल समाज ने पुलिस पर ढिलाई और मिलीभगत का लगाया आरोप। पुलिस और प्रशासन बजरी माफियों के विरुद्ध कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। खबर भारतवर्ष के लिए भीनमाल से जेठाराम गोयल की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।